ಇತ್ತನೆ ರೋಲ್ ಯೂ ತನಕ ದೇವರ ತಾಯಿ ಬಿತ್ತರ ಬಿಡಗಿದ್ರೆ ಕಡ 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 ಧ್ಯಾನ ಬಿನಾಗ ಕಡಾ ಧ್ಯಾನ ಬಿನಾಗ ಕೊಟ್ಟಿಡಾ ಹೆ ರುತ್ತಾ ಧ್ಯಾನ ಬಿನಾಗ ಗಲಿಡಾ ಹೆ ತೋ ಮಾಫಿ ಕಡ ಕಡ ದೇವಾ ಕಡ ಕಡ ರೋ ಮಾನೆ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಭಾಯಿ ಸಾಬ್ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಧನ್ಯವಾದ ದೇಖಿಯೇ ಜನ ಸಮರ್ಥನ ಜೋ ಮಿಲ್ ರಹಾ ಹೈ ಮುಜೆ ಜೋ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜನತಾ ಕಾ ಮಿಲ್ ರಹಾ ಆಪ್ ದೇಖ್ ಸಕ್ತೆ ಹೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಬ್ पीने का पानी बड़ी समस्या और क्या उसके इंगे शासन में पीने को पानी भी कौन मिलियो लोग मने काशियो कहें जेकी से रहेगी यानी तो नीलियारी रोड पर आजेई आई बात समझना है के तो दोस्तों अभी जी को डायलॉग में थाने बोल के बतायो और एक एक्टिंग के रूप में थाने करके दिखायो वो है प्रकाश जी गांधी साहब की एक फिल्म आई फौजी की फैमिली बेंगो और आ फौजी की फैमिली बनेड़ी है मेलिया गांव के अंदर और प्रेजेंट में मेलिया गांव गांव है जिको भादरा विधानसभा के अंदर आवे और अठे का की रुझान के तरीके की पार्टी का माहौल अठे बनने लाग रहे बजाने की कोशिश करांगा और वर्तमान में अभी थोड़ी देर बाद में संजीव जी बेनीवाल साहब है वे भी आओगा जिका भाजपा का कद्दावर नेता है और पूर्व विधायक भी है बंगो इंटरव्यू लेने की कोशिश कराऊंगा नया हो तो चैनल ने जरूर सब्सक्राइब करें तो भादरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर तीन पार्टी मुख्य रूप में उभर के आई है और सबसे ज़्यादा टक्कर है अठे जी का ग्रामीण बता रहे हैं मन पूछे है कि एक तो भाजपा है संजीव बेनीवाल साहब है दूसरी माकपा जी का बहुत ही कद्दावर और बेबाक नेता है जी का बलवान जी पूनिया साहब है तो दोनों आगे टक्कर है जी की प्रेजेंट में है तीन नंबर पर अठे बतावे कि कांग्रेस का अजीत जी बेनीवाल साहब है तो माहौल है वो लोगों ने अपना जानने की कोशिश करांगे भाई अपन बता सी और वो वीडियो है जी को पूरा जरूर देखियो ताकि जी का पक्ष और विपक्ष है थाना मालूम पड़ जा मैं कहीं पक्ष में कौन और न ही मारा वोट है जी का विधानसभा भादरा के अंदर पड़े तो ऐ चीज़ों बेफिक्र हो गए पूरा वीडियो ध्यान देखियो तो दोस्तों मैं लिए गाँव के अंदर को एक वीडियो भी मैंने पहले गाँव के ऊपर वीडियो बनाया है जी को डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू थाना मिल जैसी बहुत ही शानदार वीडियो है जी को फिल्म के ऊपर मैं बनायो बहुत भी चुनावांगे रंगे सागे थे जरूर देखो ताकि सुनावांगा जी का स्वाद है वह थाने दूगना हो जा और अभी संजीव जी बेनीवाल भी पूछना आ रहा है तो बहु आप जानने की कोशिश करांगा धन्यवाद तो दोस्तों अभी संजीव जी बेनीवाल साहब है जी का अठे पूछना आ रहा है मेलिए गाँव के अंदर बहु पहले कुछ महानुभव है अठे गाँव का ग्रामीण है युवा साथी वे मिले बहु आप जानकारी लेने की कोशिश करांगा राम राम जी राम राम भाई के नाम है साहब थारो गांव मेलियो है नाम राकेश है राकेश जी यहाँ बताओ प्रेजेंट में भादरा विधानसभा के अंदर सबसे तकड़ो माहौल कौन से नेता को संजीव बेनीवाल बहुत जोर को माहौल है 40,000 प्लस प्लस जीत हुई कितनी हो जा ऐसे एक तिखो सो सवाल और पूछूं संजीव जी बेनीवाल को माहौल क्यों है क्या कारण है पीछे सालीन नेतो है बढ़िया काम करे झूठी बात कौन करे जमाई सभ्य आदमी है भादरा में भाईचारो बना के रखना रो है और पिछले 5 साल में भादरा में भाईचारा ने तोड़ने को बहुत मोटो प्रयास करे जो झूठा वादा करे गया 14 बिरानी का मान नहरी घोषित करने को नाम ऊपर लोगों ने गुमराह करे गया एक तरह किसानों मजाक करे गयो अच्छा वर्तमान में जी बलवान जी पूनिया है जी का माकपा विधायक है बंग है जी के थ्रू जी का काम हुआ है वह किस तरीके का मार्गा में देखो कोई काम मार्गा में देखो रिपियो का काम कौन हुआ एक रिपियो कोई आदमी यहाँ कह देनी कह एक काम हुआ है झूठ कौन बोले जे एक रह के मात्र 5 किलोमीटर रोड रिकारपेट हुई है भाई रिकारपेट हुई है संजीव जी के टाइम में वाह रिकारपेट हुई है अरे विधायक जी तो इतना झूठा है कि थे आप मीडिया रहो खुद जाके देखियो विधानसभा क्षेत्र का 3 गांव जुड़े मारो मुंदड़ियो छोटो बोझलो जो पंचायत हेडक्वार्टर है वो और एक बड़ो गांव है मलसी सर विधायक जी थाने हर बार भाषण में बात कहता मिलेगा कि जट्ठे भी रोड फुटेड़ी है नी बठे में वोट मांगने कौन जाऊँ थे भाई स्थिति छोटे मुंदड़ियों ही दिखा दी हो ची बोझले ही दिखा दी हो ची बोझले रोड जाए बा चाहिए मलसी से रोड जाए और फिर ही मार्गा में वोट मांगियो भी आदमी है शर्म नामी तो चीज ही कौन रही चलो झूठो आदमी है चलो बहुत बहुत धन्यवाद और भी आपने अठे ग्रामीण मौजूद है पहुंचाने की आप कोशिश कर राम राम जी के नाम है थारो राम कुमार तेतरवाल ए गाँव का निवासी हो हाँ जी ए गांव में सबसे ज्यादा माहौल फिलहाल कौन से नेता को ज्यादा बन रही बीजेपी का जी संजीव बेनीवाल को पिछले चुनाव के अंदर सबसे ज्यादा वोटिंग कौन से नेता ने हुई पिछली बार तो बराबर सी वोट थोड़ा बहुत कोई कमती ज्यादा पर अब की बार ज्यादा नाराजगी होना हूँ कॉमरेड का वोट रहा कौन कॉमरेड प्लस हुआ पिछली बार कुछ नाराजगी मतलब काम की कोई विकास कार्य नहीं होने की वजह विकास कार्य नहीं होना
अच्छा, और झूठा वादा करना हूँ। अच्छा बलवान जी पूनिया है जी का विभाग नेता है, आपकी बोली के लिए जाने से है। अच्छा विकास का कोई काम कोनी की मतलब? विकास वो साहब मैं तो क्यों देखियो को नहीं। अच्छा अच्छा, अरे दुनिया में नाके कर दिया तो माने बेरो को, मैं तो गाँव में रहना रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा थारताई जी को काम पूछना चाहिए वो पुग्यो को नहीं? की कौन पुग्यो साहब, मेले गाँव के अंदर के तरीके की समस्या मानो थे सबसे बड़ी समस्या जी की? समस्या साहब पीने का पानी में बड़ी समस्या और के उसके इंगे शासन में पीने को पानी भी कौन मिलियो? अच्छा गाँव के अंदर पीने को पानी कौन पूछ रहे हो? हाँ अच्छा संजीव जी बेनीवाल साहब है जी का पहले विधायक भी रहा, बंग टाइम में भी कोई काम हो दो बार रहा जो कम काम से कमती बत्ती हुए, लेकिन कोई भाई भाई लड़ाना या नाराजगी करना वो काम 1% ही कोनी। अच्छा शांतिप्रिय तरीकों रेड है, ये तरीकों रेड है और विकास का काम भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, बे तरीकों मतलब संजीव जी बेनी वाले बंगो क्रेज ज्यादा है, लोग ज्यादा माने? लोग ज्यादा माने जी। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद, और भी अठे मौजूद है ग्रामीण बंगो जानांगा। चलो सुनो सुनो, नेता की ना बताओ, पार्टी की ना बताओ, पार्टी सुनो पार्टी की ना बताओ, चलो यहाँ बता दो कमी तो बता सको गांव की के कमी है हमारा के जानी आ जाओ माने के बिल बड़ा कमी हो जी, कमी को फिर कौन पड़ेगी? अच्छा गांव में आज ही आया हो या फिर कोई डाणी ढूणी है कि ना? डाणी कौन रहा गांव में ही है, गांव में रहो खेत में रहा काम। अच्छा टाड़ा टाड़ा लियो थे, टाड़ा के लेना है वहां। अच्छा आगे कोनी आना चाहोगे? नहीं रोड तो फुटड़ी है कोनी के। अच्छा इन गांव में इन 5 साल में कभी कोई काम तो सही होयो कोई? अच्छा अच्छा अच्छा, किसी नेता को कोनी होएगी तो नेतो 5 साल में तो ही काम ले रहे पीछे भी पीछे काम बहुत किया। हाँ संजीव काम बहुत किया। अच्छा अच्छा अच्छा, स्कूल के तरह जमींदार और स्कूल का और काम बहुत करे हैं। अच्छा यहाँ बताओ थारे नहर को पानी लगे हट मेले गाँव में? नहर को पानी लाग तो बनी टाड़ होगी सपा। अच्छा पहले लाग तो पीण की टाड़ है पानी, पीण की टाड़ है नहर की टाड़ है? हाँ पीण की बिल्कुल टाड़ है। अच्छा ऐसी चीजों सहमत हो गए ताऊ जी के नहर को पानी कौन लगे हट? नहर को पानी कौन लगे? अच्छा पहले हाँ अब कौन लगे अपना 5-6 साल में कौन लगे? अरे संजीव के तो थारा तार लोग सुरो के खेत ता ही मारे संजीव की दिला दिया है नहाली बन कर गया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी। देखो संजीव जी बेनीवाल है जी का कुछ ही देर में अड्डे पहुंच जैसी बांगो इंटरव्यू भी आप लेने की कोशिश करांगा, लोगों को माहौल है और गांव बहुत बड़ो है बठे भी आप जाके कवरेज करने की कोशिश करांगा, लेकिन बहु पहले संजीव जी बेनीवाल साहब को थाने मिलाऊंगा। धन्यवाद क्या बच्चा के अंदर है गाँव के अंदर देखो कितो क्रेज है संजीव बेनीवाल साहब के खातिर। अरे रुको रुको अब तई वो एक नारो से बोला वो बोलियो जू देखो ए तरीके का जी का नारा है वह टावरा भी सीख रखे और संजीव बेनीवाल साहब को क्रेज है वो थे देख सको की तरीके को है। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा है जी का बच्चा बंदर टाइप हुआ है, ए बंदर है जी का देखो हट लाग रहा है टांग ऊपर है थोड़ा दूर ले आगे साहब फोटो ले। अरे खड़े खड़े आराम खड़े रहो आराम आराम। तो दोस्तों अभी मेले गाँव की पौन धरा पर संजीव जी बेनीवाल साहब है जिका वो काफ़ी लोग अभी पूछने लाग रहे हैं पूरी कवरेज में तरह सागर करने की कोशिश करने लाग रहे हैं। नया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें यार, यदि भादरा तहसील हो और यदि आ कवरेज थाना बढ़िया लाग रही है तो ज़रूर हमारे जुड़ो और थारा कमेंट है वह देने की कोशिश करो। थोड़ी देर के अंदर है जिका संजीव जी बेनीवाल आपने बीच में पूछ जाएगा। धन्यवाद।
हो सके यार, दो मोटा काम रह गए हैं। बहुत बढ़िया। बाजरा विधानसभा क्षेत्र की कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती गई है, अपराध इस इलाके में बड़ा है, अनुसूचित जाति के लोगों पर अन्याय और अत्याचार बढ़ा है, एक तरह से नशा और नशे की बिक्री तस्करी बढ़ी है, सिंचाई पानी की समस्या बढ़ी है, पीने के पानी की समस्या बढ़ी है, तो हर तरह से वर्तमान जनप्रतिनिधि हर मोर्चे पर विफल रहा है, ये सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, ये जन विरोधी सरकार है और यहाँ का चुनाव जनप्रतिनिधि किसान विरोधी जनप्रतिनिधि है। तो आज एक ही सवाल उठे कि मैं सुबह सुबह गाँव में जब जाऊँ, दो तीन गाँव में सूत बैठ गई, ये तो ढाणी स्वामी में गए, मैं 8 बजे तो बोले भाई जी छः अभी आया हो 8 बजे तो मैं मीटिंग मेरी तो 8 बजे ही रखी, बोले वो बिल्ली 5 बजे ही आ गयो, बिल्ली 5 बजे आ गयो, बिल्ली कहे वो बिल्ली नाम की टिका हुए, अरे बिल्ली को तो किस आगे पाली ही बनी, मेरी बिल्ली नाम टिका रखे, चलो कोई नहीं अगला वो नाम है, क्या बिल्ली 5 बजे आ गयो तो वो 5 बजे मीटिंग ही कर दी, क्या मीटिंग कहेंगे कर रहो घर में बढ़ रहे हो, 4-5 ग्राम गए हो क्या मैंने माफी मांग तो फिर हो क्या मैंने माफ कर दियो, मैंने माफी दे दियो, माफी मांगो जगह जगह, तो मैंने बड़ो यूं आश्चर्य भी हो, माफी मांगो पर माफी की उम्मीद भी रखो। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ, भादरा विधानसभा क्षेत्र का जागरूक लोग बैठे हो, आपने भाई भादरा में माफी देने की रिवाज है कि कोई परंपरा या परिपाटी है कि माफी देने की, और जे परंपरा है तो गैल जाने क्यों कौन दी, परंपरा कोनी नहीं तो थे रहा भादरा विधानसभा क्षेत्र की आप परिपाटी ना तोड़ियो, रिवाज ना तोड़ दियो, छोटी मोटी गलती 98 में चुनाव जीतो बनाई भेजो उसके छोटी मोटी गलती बिन के मेरे काम हो तो बिंग सजा, यानी 2003 2008 दो बार ही रगड़ो थे मैंने, दो बार ही सजा थी और कई यहाँ 3-3 बारी भी दी गलती है सजा, तो मार ली तो छोटी मोटी गलती करेगी तो सजा दी, तो अब माफी हो सवाल के हो कि रामजी उड़ो के दिन बता दो। फिर एक बात और है कि आना तो कठे कठे कानून व्यवस्था खराब, बिजली की हालत खराब, पानी की खराब, लोगों ने लड़ाया, तंग परेशान कराया, रंजिश पाड़ी किता दड्डा खोद रखे, किता किता नुता गाल रखे, दड्डा बोला खोद रखे है। और एक बात और सुन लियो, क्या तो भाई बात है किसे किसे दड्डे ने बुरुगा थे बताई वाली बात, बूढ़ी वाली बात है, कर वो जो है ना बीकने की माल थी को ताई कने किसो दिल्ली की टूब ठीक रही, इधर एक चोर हो बन देखो 2-3 दिन हम तका हो के अपा माल दो काट ले ताई आओ, तो एक दिन तका गए ताई गई पानी लेने घड़ियो लेगी, तो एक दिन घरे बड़े दो दिन अपा किन की माल काटा, तो माल मिले पुरानिया तो रखता वे कोई गुल्लक में थोड़ी धरता, कोई गल्ला में धरता वे तो दरडो खोद के गाल के अंडी दाब देता पाप तो कोई तो की कोई मिले हाथ उत मार लिए चोर तो फिर बन देखो टाइम हो रहे है चाकी पड़ी देखो चाकी चकले ज्यादा की तो काम आओगी, चाकी का हाथ खा लियो हाथ में छुट गई पार्ट टूट गया पल्ला की गुन रहे हो, ऊपर ने एकदम जो है ना सेहत रो बैठ रहो ऊपर ने सिर मारियो छीके पर वो भांडो नीचे पड़ गयो, बर्तन नीचे पड़ गयो, वो घी का दूध वो डूढ़ गयो डूढ़ गयो, तो बन देखियो भाई काम तो दो तो गलत हो गया, फिर बन देखो तीसरा और गलत हो ताई पकड़े की तरह आने वाली हो रही है, तो जोड़ो थोड़ी दूर हो तो भाज के गेट बारह निकले नहीं इन्हें तो बिंगो निकलना हो और ताई को बढ़नो हो बड़े तो वो भिड़कियो भिड़नो वो घड़ियो तड़ा आप लो ताई बोली रहा सिच्चा ना सी तने रोली उतने के तो बोले ताई भीतर बड़े की जाए खड़ा खड़ा बोले तो सरदा खोजेड़ा ध्यान बिना का सरदा ध्यान बिना का खोजेड़ा है रुता ध्यान बिना का लेड़ा है तो आप माफी खड़े खड़े देगा खड़े खड़े रोगों भाई ने। तो मैं तो इतना ही निवेदन करता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर लगा करके आप मेरे जैसे कार्यकर्ता को एक मौका देने की कृपा करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, कितने वोटों से जीत की आपकी आशा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, देखिए ये जन समर्थन जो मिल रहा है मुझे, जो आशीर्वाद जनता का मिल रहा है आप देख सकते हो, आपने देखा भी है, मैं पूरे भादरा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार में लगा हुआ हूँ,
बाजरा विधानसभा क्षेत्र की जनता का मुझे भारी अपार जन समर्थन मिल रहा है। इस जन समर्थन को देख करके मैं कह सकता हूँ कि बीकानेर संभाग की सबसे बड़ी जीत भादरा में होने वाली है। थैंक यू सर। तो दोस्तों संजीव जी आप बात करने की कोशिश करी और काफी लोग है, भीड़ है, लोगों के बीच को प्यार है वो देखियो गो के तरीके को है। आज को आज की जी चुनावी मरोड़ है, बात हर समझ में आ गई होगी के तरीके की है। और अब आग लगाऊंगी तरफ आप तैयारी कराऊंगा, बलवान जी पूनिया साहब को भी आप इंटरव्यू लेने की कोशिश कराऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद, राम।